नमस्कार दोस्तों, आपका पारमिश्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आपके हाथ में ऐसा चिन्ह है तो आपको 100% सफलता मिलेगी और जीवन में सक्सेसफुल होंगे आप। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से ये हमारी मस्तिष्क रेखा, हमारे मन के विचारों में हम कितना सोचते हैं उसकी गहराइयों के विचारे में ये हमारी मस्तिष्क रेखा बताती है। और इसी प्रकार से ये हमारी हृदय रेखा, हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है, हमारा प्यार कितना है उसके बारे में बताती है। जैसे कि ये सफलता लेने से ही मन में एक विश्वास जाग जाता है कि आपके हाथ में कैसा चिन्ह है, कौन सा है वो चिन्ह जो आपको सफलता के द्वार के ऊपर ले जाके खड़ा करता है। सबसे पहले हाथ में पर्वतों का होना, विकसित होना, उठा होना, ये ग्रोथ को बताता है, ये आपके करियर की तरक्की को बताता है। सबसे पहले ये हमारा बुध का जो पर्वत है, ये ग्रोथ का हो, उठा हो, पर्वतों की क्वालिटियां दर्शा देती है, आपके जीवन में एक झंडे की तरह लहरा देती है। ये जो पर्वत होते हैं आपको फल देने में सक्षम होते हैं। अगर ये बुध का पर्वत उठा है और ये बुध की फिंगर भी बड़ी हो, सन के पहले पोर से बड़ी हो, ऐसे लोग बिजनेस के मास्टर होते हैं, कार्य करने की कला अच्छी होती है, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके अंदर की क्वालिटियां एकत्रित है, कार्य करने की क्षमता है, बिजनेस करने की कला है, और ऐसे लोग जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार से ये सन का पर्वत किसी तरफ खिसका ना हो, पर्वतों की क्वालिटियां तभी आपको प्रॉपर मिलेंगी अगर ये पर्वत किसी तरफ खिसकते नहीं है, और ये पर्वत समान रूप से उठाओ, ये समान रूप से उठाओ और अपने स्थान पे स्थिर हो, हमारे अंदर ताकत होगी तभी हम काम को कर पाएंगे। आपने देखा होगा जीवन में जो जितना समृद्ध और मजबूत होगा उतना वो काम करने के लिए प्रॉपर माना जाता है, और ये पर्वत उसी चीज को व्यक्त करते हैं, उसी चीज को समझाते हैं कि आपके अंदर क्वालिटी है। और ये सन की फिंगर बड़ी हो जीवन की सफलता को दर्शाती है, जीवन की समृद्धि को बताती है, आप एक शिखर पे पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ ये सन की रेखा हो, ऐसे लोगों का जो ध्यान केंद्रित होता है, ऐसे लोग सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं, सरकार के क्षेत्र में जाते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं, ऐसे लोग सरकारी सेवा का लाभ अवश्य उठाते हैं। अगर आपके हाथ में ऐसा चिन्ह है, ये रेखाएं प्रॉपर हैं, तो आपको सक्षम है सरकार के क्षेत्र में जोड़ने के लिए। और इसी के ऊपर अगर ये यहां पर त्रिकोण बन जाए, ये त्रिकोण बन जाए, ऐसे लोग जीवन में अपनी सारी मनोइच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उनका मन चाहा काम भी होता है। और इसी प्रकार से ये शनि का पर्वत है, शनि का पर्वत भी समान रूप से उठाना हो, बहुत ज्यादा विकसित होना ये शुभ फल प्रदान नहीं करता है, लेकिन शनि के पर्वत के ऊपर अगर ये स्टार बन जाता है, ये स्टार बन जाए, ये क्या करता है, गुणों को बढ़ाता है, आपको अचानक से मालामाल बना देगा, अचानक से धन की ग्रोथ दिला देगा। कहते ना, अचानक से मिली हुई प्रॉपर्टी, अचानक से मिला हुआ धन हम कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं, और यही शनि की कला है, आपको देता तो है लेकिन अगर सही दिशा में आपने काम को इस्तेमाल किया तो आपको रंग से राजा बनाने में सक्षम और कला रखता है, लेकिन अगर यही शनि आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, गलत जगह पे इस्तेमाल किया, तो आपको जितना दिया हुआ है सब कुछ छीन भी लेता है,
कहते हैं ना शनि न्यायाधीश है, जजमेंट करने की कला है। अगर आपने सही तरीके से काम को किया है तो आपको ग्रोथ बढ़ाएगा, आपको तरक्कियों पे लेके जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत तरीके में पैसे लगाया, गलत सोच आपके अंदर आई, तो आपको शनि यहां पर एक्सीडेंट भी कराता है। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ ये गुरु का पर्वत, गुरु का पर्वत जैसे कहते हैं ना कि ये ज्ञान का ग्रह है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और ज्ञान के क्षेत्र में इनको बड़ी सफलताएं प्राप्त होती है, मैनेजमेंट का काम करते हैं। ऐसे लोग एजुकेशन के क्षेत्र में हमेशा जाते हैं और ऐसे लोग बड़े बड़े संबोधन का काम करते हैं। ऐसे लोगों की पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर ये गुरु का पर्वत सक्षम रूप से, समान रूप से उठा है, किसी पर्वत की तरफ ना खिसका हो, ये अपने कला को देने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करता है। इसके अंदर पावर है, मकान का सुख देता है, पुत्र का सुख देता है, जीवन में आपको मान सम्मान की भी प्राप्त करवाता है। और यहां पर अगर एक स्टार बन जाए, ये स्टार बन जाता है, तो ऐसे लोग आपके लाइफ में बड़े बड़े लोग आते हैं। आपके जीवन के जो कार्य है, बड़े लोगों के संपर्क में आने से बड़े काम होते हैं। और ऐसे लोग स्टार पैसे के अचानक से भी यहां पे ग्रोथ होती है और जीवन में तरक्कियों के ऊपर पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ ये चंद्रमा का क्षेत्र, कहते हैं मन की गहराइयों में समा जाना, मन को कितना खुश कर पाने में आप सक्षम हैं, काफी बुद्धि के विवेक हैं और मन की सुंदर वाणी है, वो चंद्रमा का क्षेत्र बताता है। ये चंद्रमा का पर्वत है, ये चंद्रमा का पर्वत है, चंद्रमा का पर्वत, सुंदर वाणी, मीठी वाणी, सुंदर विचार रखने वाले, प्रवीण कला के होते हैं। ऐसे लोग हर चीज को बड़ी शालीनता से प्रकट करते हैं। और इसी के साथ एक फेट लाइन, जिसको हम भाग रेखा कहते हैं, भाग रेखा सफलता की कुंजी है। और ये यहां पर एक स्टार से निकले ऐसे लोग जो अपने जीवन में, कहते हैं ना कि ज्योतिष से जुड़े, पामिस्ट्री से जुड़े, कैरो टैरो से जुड़े, इन सारी चीजों से एक मास्टर माइंड होते हैं। ऐसे लोग इनसे जुड़े हुए व्यवसायों से अच्छा पैसा कमाते हैं। और जब भाग रेखा आपके हार्ट लाइन में मिलती है, यहां पर एक संकेत देती है, ऐसे लोग शादी के बाद अवश्य प्रोग्रेस करते हैं। और ये जो हार्ट लाइन है, ये कहीं ना कहीं गुरु की तरफ फेट लाइन को लेके चले, तो ऐसे लोग पत्नी के मार्गदर्शन से अगर काम करते हैं तो जीवन में हर उस ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं और पत्नी के सहयोग से जीवन में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और यहां पर शुक्र के क्षेत्र भी, ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत, पर्वत मैंने कहा ना कि पर्वत हमेशा गुणों को बढ़ाता है, पावर को दिखाता है। और यहां पर एक ये मोटी खड़ी लाइनें आपके लग्जरियस को दिखाता है, आपके सुखों को दिखाता है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, अच्छे खाने का शौक रखते हैं, कपड़े पहनने का शौक रखते हैं, मतलब हर वो सुख का आनंद प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आपके हाथ में शुक्र के पर्वत पे खड़ी और मोटी लाइनें हैं तो और जीवन में महंगी महंगी कारों का आप जरूर अनुभव करेंगे। और इसी प्रकार से जीवन में हमेशा आपको तरक्की कब मिलती है, जब जीवन रेखा से आपको ऊर्ध्वमुखी रेखाएं दिखी। ये जीवन में ये ऊर्ध्वमुखी रेखाएं इस जीवन में आपको तरक्की की तरफ दिखाती है। जितनी भी आपके ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हो जीवन में, आपको सफलता के द्वार खोल देती हैं। और इसी के साथ यहां पर अगर एक त्रिकोण बन जाए, ये आपके प्रॉपर्टी का सूचक है, आपके मकान का सूचक है, आपके दुकान का सूचक है। अगर यहां पर आपके
ये त्रिकोण बनता जाए तो जीवन में आप सफलता के द्वार पे अवश्य पहुंचेंगे। कहते नहीं 1% नहीं 100% सफलता दी जाती है आपके हाथ में अगर ऐसा चिन्ह है। और अंगूठा ये मोटा पतला अंगूठा दूसरे के सम्मुख अपने हथियार डाल देता है, लेकिन अगर मोटा अंगूठा हो सीधा हो वो ऐसे लोग काफी स्टिक होते हैं, मजबूत होते हैं, झुकना नहीं जानते, झुकाना जानते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।